बाबा से जो जो मांगना मांगो खुले बाबा खुले दिल का बाबा के यहाँ पर आके भंडारा खाने को मिलता है, चाहे वो मन का हो धन का हो हर चीज मिलती है यहाँ पर आके। अच्छा समझना चाहते हो ना, मतलब कि यहाँ आके बंदा अपने दिल को बिल्कुल फ्री छोड़ देता है, माइंड फ्री रहता है, सुकून मिलता है। समझ रहे मेरी जान को, 365 दिन के अंदर मैं सिर्फ एक महीना निकालता हूँ सिर्फ यहाँ आने, सावन के महीने के लिए एक महीने पहले का आके बैठा हुआ हर साल में, और हर साल के सबसे पहले का साल के हर साल मनसा देवी साल आते हो करके बैठा हुआ बोले, और हर साल ले जाते हो हर साल। कितने सालों से आ रहे हो फिर? बोले मेरी अब 8वीं जोड़ा हो जाएगा, यानी 16 कावड़ हो जाएगी, 16 हो जाएगी, 8वीं कावड़ हो जाएगी, प्रातोली कावड़ ये दूसरी है। ऐसे तो मैं कल से लेके गया हूँ, कल से लेके हाईएस्ट है मेरा 100 लीटर जल का, 100 लीटर जल का। और आप कितने साल हो गए कावड़ लेते लेते? बोले मेरा एक जोड़ा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट बार 30 लीटर ले गया था, इस बार 20 लीटर बढ़ाया बोले। अच्छा कावड़ लेने जब आते हो हरिद्वार, हाँ बोले कुछ मन्नत मांग के आते हो या फिर? बोले हम पहले से यहाँ से मन्नत मांग लेते हैं या घर बैठे मन्नत मांग लेते हैं, वो पूरी होती है उसके कावड़ वही आते हैं, कावड़ वही उठाता है जिसे भोला बुलाता है। अच्छा कावड़ वही उठाता है जिसे भोला बुलाता है। देखो जिसको होता है जिसपे बोरा भर के रखा होता है वो नहीं आता है आने के लिए, जो बोरा भर के कमाता वो नहीं आता, जो 10-20 कमाता है ना बोले वो हर साल आता है। सैकड़ों मन्नतें तो करे सैकड़ों वो निकल जाते हैं, लेकिन जो कावड़ को वही उठाता है जो भोला बुलाता है, चाहे कैसे भी आए। लो सुनो, बेंगलोर से आया अपना, बेंगलोर से। अच्छा जी दिल्ली में घर है बोले। अच्छा बैंगलोर में जॉब करते हो? वही देता हूँ मैं। अच्छा जॉब करते हो? हाँ। और आप सब भी जॉब करते हो? हाँ बोले सारे जॉब करते हैं। तो पूरे सावन के महीने की छुट्टी है? पूरे सावन के महीने की छुट्टी, मालिक बाहर गया था बोल शंकर भगवान तो कहता है सरकारी छुट्टी दे दे एक महीने की सरकार। अच्छा बिल्कुल इस महीने के लिए तो दे दे। अच्छा मेला इतना तगड़ा है कि कोई नहीं जानता इसके मामले में तो। अच्छा और जो जानता है ऐसी है कि हर साल सैकड़ों बढ़ते हैं इस भीड़ में, कम नहीं होता इसमें, बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। बोले की फौज करेगी शंकर भगवान की। बोले कोई मन्नत नहीं, बाबा का दिया हुआ सब कुछ है, बस थोड़ा कष्ट उठाना है जब जिंदगी दी है भोले बाबा ने। जब भोले बाबा ने जिंदगी दी है थोड़ा कष्ट उठाना है। साल में एक बार थोड़ा कष्ट तो उठा ही सकते हैं बाबा के नाम। अच्छा और फोर्स भी लगी हुई है? नहीं बोले कोई चेकिंग नहीं, अगर बोला सही है तो सब सही है, डाउट जिस बोले पे हो रहा उसकी चेकिंग है। बोले गलत करेंगे तो गलत भुगतेंगे, जो बोले बोले गलत करेंगे तो गलत भुगतेंगे। जय बोले। अरे यार तुम जय बोले की कहाँ से आए बोले? हरियाणा से आए, हरिद्वार। हरियाणा से आए हैं, हरिद्वार गुड़गांव हरियाणा से। अच्छा कितने लोग हैं साथ में? दो बालक नौ लोग हैं, नौ भोले हैं साथ में। अच्छा कौन सी कावड़ है? महाकावड़। कावड़ बहुत प्यारी है। अच्छा बोला प्यारा है हमारा, बोला ही प्यारा है हमारा। अच्छा यही हरिद्वार में ली कावड़? कितने के लिए? ये पड़ी हमारे को 15,000 की। 15,000 की कावड़ है ये। सजावट हो गई है? सजावट करवाएंगे, अभी करवाएंगे, अभी करवाएंगे नहीं। नहीं सजावट में कितना खर्चा आ जाएगा? और अभी आएगा 2,000 तक का। अच्छा कब निकलोगे फिर? आज ही निकलेंगे। आज ही निकलना है पैदल यात्रा? हाँ जी। कब तक पहुँचोगे? 25 तारीख तक पहुँचाओगे? बोले की इच्छा से पहुँच जाएंगे। बोले की इच्छा से पहुँच जाएंगे। अच्छा हर साल आते हो? हर साल। और महाकाली कावड़ ले जाते हो? ना इस बार महाकाली, इस बार यही है। अच्छा उससे पहले बंटे? उससे पहले बंटे। अच्छा बंटे कलस कावड़ है ना। अच्छा कितने लीटर जल लेके थे उसमें? पहले 30 लेके गया था। अच्छा आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई? दिक्कत आने में नहीं होती, जाने में ही होती है। जाने में ही होती है? जाने में क्या दिक्कत होगी? दिक्कत बस भोले बाबा अपना देख लेता सब कुछ, जो दिक्कत होती है सारी उठता है वही हमारी। अच्छा सारा कर देता है दूर दूर से कावड़ी आ गई, ट्रेन में दिक्कत होती है। अच्छा एक ट्रेन निकाल दो सही कावड़ी हो गई। अच्छा वहाँ से हरियाणा से किस में आए थे? हरिद्वार यहाँ ट्रेन में आए थे? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ना ना कोई दिक्कत नहीं हुई है। अच्छा बोला शंकर भगवान की जय। बोले की फौज करेगी मौज, इक्की दुक्की थाने में कल बोले हरियाणा में, 1 2 3 4 कावड़ ले आए थे हरिद्वार, बोले तेरी बम 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 बोले पार्वती के
संग 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 बोले बोले रे तेरा गुस्सा उहा उहा कावड़िये ले ले रंग 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 बोले। चाहिए 15,000 की कावड़ है। हाँ। तो पैसे सबने मिलाए हैं साथ में? सबने 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 मिलाए हैं। सबने मिलाए 9 लोग हैं। 9 कितने कितने मिलाए हैं? सबने मिला लिए पूरा। अच्छा, मतलब कावड़ ले जानी है? कावड़ ले जानी है। हाँ, बेशक जान चली जाए। बेशक जान चली जाए। अच्छा, ले जाने का नियम क्या है इसका? नियम है बस अपना नाव दो, अपना फैसिलिटी दे रही है। अब की बात तो योगी सरकार ने यूपी से हर जगह कर रही है फैसिलिटी। अब की बात तो देखते हैं दो साल से वो का आज मिला है। दो साल से मौका आज मिला है। अब मिला है और अब गवाएंगे थोड़ी है बोले। अच्छा, अब क्यों लाखों की भीड़ आएगी? करोड़ों की, करोड़ों में आएंगे यार। अच्छा, हरिद्वार से जाने का नियम क्या? जैसे 4 लोग आप इसे कंधे में ले जाओगे। हाँ। तो 9 लोग आप टोटल को लो। हाँ। तो कितना किलोमीटर चलोगे आप? कुछ आगे रास्ता बनाने के लिए चलेंगे, कुछ रास्ता खाली कराएंगे थोड़ी, जैसे दिक्कत हो जाती है कहीं रोक टोक तो वो थोड़ा कवर करते चलेंगे आगे। 40 को खींचेंगे। 40 को खींचेंगे? कितने तक खींचेंगे कावड़? 30-40 किलोमीटर डेली। 30-40 किलोमीटर डेली। अच्छा, और जो कावड़िया पूरे सावन के महीने में आना चाहते हैं हरिद्वार अन्य राज्यों से, तो आप क्या कहना चाहते हो उनके लिए? कैसी व्यवस्था है, मतलब किस प्रकार का? तो भाई आके रहेंगे, बोले बुलाएगा ना तो जिनकी मजबूरी हो वो भी आओ। अच्छा, जिनको ना आना हो वो भी आओ। अच्छा। सारे आओ, द्वारी इतना सुंदर है बोले का। अच्छा, और जिसके भगत है, जो भगत है वो तो जरूर आएगा ही आएगा। भोले बाबा ने ऐसी किस्मत पाई है, इस बार भी आए, पिछली बार भी आए, लॉकडाउन में भी आए, बाइक से। अच्छा, लॉकडाउन में भी आए थे? बाइक से आए। अच्छा, बाइक से आए थे। उसमें भी लेके थे कावड़? बाइक से आए थे, बाइक पे लेके गए थे जल। अच्छा, इस बार आप पैदल चलेंगे? तो पैदल आए हर साल सब जल लेने। जय भोले, जय भोले शंकर भगवान के। जय। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो? अच्छा, इस कावड़ कितने लोग ले जाएंगे, कितने भोले ले जाएंगे? 7 भोले आए। 7 भोले ले जाएंगे। अच्छा, यहाँ से कहाँ तक ले जाओगे? दिल्ली जहांगीरपुरी इलाके से आएगी, 300 किलोमीटर। अच्छा, ले जाते समय आप 4 लोग ले जाओगे? हाँ। अच्छा, ग्रुप में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, बाकी ग्रुप के हैं 13 लड़के। 13 लड़के हैं। क्या नाम है आपका? क्या? राहुल। आपका? मेरा नाम है सन्नी। और काकू, कितना किलोमीटर है? 300। तो पैदल यात्रा? पैदल। कितना समय लगेगा पैदल जाने में? 8 दिन। 8 दिन लग जाएगा? 40 किलोमीटर डेली टापेंगे, गैस और गैस, रात रात दिन नहीं टापेंगे। एक दिन में 40 किलोमीटर पैदल यात्रा? दिन में नहीं, रात दिन में नहीं, रात में सिर्फ दिन में नहीं। तो यहाँ, अच्छा, ये कावड़ कहाँ से लिए? यहीं से लिए, हरिद्वार से। हरिद्वार से। अच्छा, कितने की कावड़ है ये? ये 9,500 रुपए की। अरे, सजावट 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 लगा के पूरे 17,000 की कावड़ है ये। अभी और भी सजी, और भी सजेगी, और सजेगी, सजी नहीं है। अच्छा, अभी सजी नहीं है? अभी सजी नहीं है, मेरठ में और सजेगी। मेरठ में और सजेगी, अभी इसमें और लाइटिंग पता नहीं। मैडम लाने इस पे क्या? तिरंगे, तिरंगे भी बहुत चीज है। अच्छा, बहुत चीज है आगे जल लगाने के, ये फर्स्ट लानी है हमें। अच्छा, हर साल आते हो कावड़ लेने के लिए? इतनी बड़ी कावड़ ले आते हो? कितने साल हो गए आपको कावड़ लाते लाते? हो गए 1-2 साल हो गए। 2-3 साल हो गए हमें। 2 साल तो हुई नहीं कावड़। हाँ, 2 साल बनते पहले। अच्छा, इससे पहले? अभी लॉकडाउन। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम। और आपका? नितिन। मेरा आदित्य। अच्छा, दिल्ली से कब चले थे आप लोग? हम कल आए यहाँ पे। कल पहुँचे थे? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे आए थे। नींद नहीं थी थोड़ी सी। अच्छा, कब निकलोगे फिर हरिद्वार से? आज ही निकल जाओगे? जय भोले। कितने लीटर चला जाएगा इसमें? बोले 40 लीटर जल रहे। 40-40-80 लीटर है बोले। 40-40-80 लीटर। अच्छा, 40 एक तरफ है और 40 दूसरी तरफ, तब जाके 80 लीटर हो रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? गोपाल नाम है बोले। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। दिल्ली दिलशाद गार्डन सिंगापुरी से। अच्छा, कितने लोग आए साथ में? और बोले 2 भोले और हैं। 2 भोले और हैं। कब आए थे? बोले 2 दिन हो गए हमें, 3 दिन हो गए बोले आए हुए। आज निकलना है? 12 तारीख को आए थे बोले।
तो दोनों आदमी ले जाओगे इसको 40 लीटर है ना? हाँ बोले। क्या अकेले ले जाओगे? नहीं बोले, तीन बंदे ले जाएंगे, एक एक बदल बदल के बोले। बदल बदल के ले जाओगे? हाँ बोले। अच्छा एक भोले कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा? 1 किलोमीटर एक भोला चलेगा। 1 किलोमीटर एक भोला चलेगा, दूसरा 80 लीटर को लेके हैं। हाँ बोले। अच्छा उसके बाद फिर दूसरा भोला? फिर दूसरा भोला चलेगा। अच्छा हर साल आते हो? हाँ बोले हर साल आते हैं, बस इस बार दो साल से नहीं आया बोले, लॉकडाउन की वजह से। 2 साल से नहीं आए? हाँ लॉकडाउन की वजह से है ना। बाकी हर साल आते हो? बाकी हर साल आते हो। कितने साल हो गए लाते लाते? बोले हो गए हमें, नहीं 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से आप लगातार ला रहे हैं यही 80 लीटर? नहीं बोले 80 लीटर इस बार ही उठाया, वरना हर बार 20-40 लीटर। हाँ लीटर कितना हो गया में? क्या कलर चाहते हो? ये पता नहीं बोले। अच्छा कलर कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ बता सकते हो? जैसे बोले, जैसे आप इतना वजन लेके जा रहे हो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, हाँ बोले, तो कुछ मन्नत मांग के आते हो? बोले कोई मन्नत नहीं, बाबा का दिया हुआ सब कुछ है, बस थोड़ा कष्ट उठाना है जब जिंदगी दी है भोले बाबा ने। जब भोले बाबा ने जिंदगी दी है थोड़ा कष्ट उठाना है? हाँ, साल में एक बार थोड़ा कष्ट तो उठा ही सकते हैं बाबा के नाम। अच्छा और बाकी अगर आप बॉर्डर पे आए थे, बॉर्डर पे कुछ दिक्कत परेशानी हुई? नहीं बोले कहीं परेशानी नहीं, बाबा की कृपा से। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे मुझे कि बॉर्डर पर चेकिंग हो रही है। नहीं बोले कोई चेकिंग नहीं, अगर बोला सही है तो सब सही है, डाउट जिस बोले पे हो रहा उसकी चेकिंग है। गलत करेंगे तो गलत भुगतेंगे। ये दो बोले हैं बोले हम। अच्छा तीनों साथ में, क्या नाम है आपका? विजय। और विजय राजपूत। विजय राजपूत दिल्ली से आए हो? दिल्ली से। आप? संजय। और आपने अपना? गोपाल। तो यहाँ से कौन ले जाएगा पहले? सबसे पहले ये बोला उठाएगा हमारा, 10 कदम ये बोला चलेगा, फिर 10 कदम मैं चलूँगा बोले, फिर 10 कदम ये चलेगा, 10 कदम फिर ये बोला दोबारा ले लेगा 1 किलोमीटर के लिए बोले। अच्छा कितना समय लग जाएगा? बोले 10 दिन लेके चल रहे हम पूरे, 10 दिन लेके चल रहे हैं, लगा देंगे, पहुँच जाओगे आराम से। हाँ बोले। अच्छा रात को भी लेके चलते हो? हाँ बोले रात को अगर ठंडा होगा मौसम, बंदे को परेशानी नहीं बोले को, तो चल देंगे बोले, चल देंगे। हाँ बोले। और रास्ते में अगर जैसे आपने कंधे में जल उठा लिया है? हाँ बोले। तो फिर जमीन में रखते इसको? बोले जमीन में रखेंगे, ये बैठी कावड़ होती। अच्छा ये बैठी कावड़ है तो जमीन रखते हैं? ऐसी रखी जाएगी जमीन, ऐसी रखी जाएगी। खड़ी कावड़ अलग होती है वो, खड़ी कावड़ खड़ा ही रहना पड़ेगा उसे लेकर 24 घंटे। अच्छा आप जैसे आप हरिद्वार से आप गंगा स्नान करके आप निकल रहे हो, फिर रात बीतेगी, फिर स्नान करोगे आप? नहीं बोले अब स्नान करके निकल जाएंगे, कहीं खाएंगे पिएंगे, जब स्नान करके दोबारा कावड़ छोएंगे। अच्छा उससे पहले कावड़ नहीं छोएंगे? स्नान करोगे तब कावड़ लेंगे, निकलेंगे, कुछ रुकेंगे कहीं, खाएंगे पिएंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर कावड़ लेके फिर चलेंगे। अच्छा एकदम शुद्ध रहना पड़ेगा बोले, जल्द रहना पड़ेगा। बाकी उत्तराखंड सरकार की व्यवस्था बढ़िया लगी आपको? बहुत बढ़िया लगी बोले हमारे, कोई रोक टोक नहीं? नहीं कोई बोले सही हो रहा है बोले इस बार तो, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, अच्छी फोर्स खड़ी हुई है, फोर्स खड़ी हुई रखी है, सही है बहुत। बाकी जो कांवड़ में सावन के महीने आना चाहते हैं कांवड़, क्या कहना चाहते हो आप? बोले या तो बाबा का घर है, बस आओ मजे से श्रद्धा अनुसार जो मन में आए वो लेके जाओ। धन्यवाद। जय बोले। जय बोले।